नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे हैं कालचक्र और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। रातों रात धनवान बना सकती है, रातों रात भाग्य संवार सकती है एक मूर्ति, देखिए कालचक्र। अगर आपके सुखों में कमी आ गई है, आमदनी के हिसाब से आपके खर्चे ज्यादा बढ़ चुके हैं, बिजनेस में पहले जैसी ना तो इनकम रही है और ना ही बरकत, साथ ही दुख, दरिद्रता, रोग और क्लेश ने घर में डेरा डाल लिया है, तो आज का ये शो सिर्फ आपके लिए ही है, क्योंकि आज कालचक्र में पंडित जी उस एक मूर्ति के बारे में बताने वाले हैं जिसे घर, दुकान, मकान, फैक्ट्री और मेन गेट या कमरे में अलग अलग तरीके से रखने पर दुर्भाग्य हमेशा के लिए आपका पीछा छोड़ देगा। कौन सी है वो मूर्ति, कैसे इस चमत्कारी मूर्ति से आपके हजारों संकट टल जाएंगे, इसे वास्तु के हिसाब से कहाँ और कैसे रखना है, इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहिए पूरे एक घंटे इस शो के साथ, यानी कि आज के कालचक्र के साथ। इसके अलावा कोई प्रश्न है कॉल कर सकते हैं, हमारा फोन नंबर है 01206652411। चलिए अपनी आज की इस खास चर्चा की शुरुआत करते हैं। आज आप हमारे दर्शकों को, पंडित जी, आज बताएंगे कि किस चमत्कारी मूर्ति के को घर में या किस स्थान पर रखने से आपका भाग्य बदल सकता है, आपकी किस्मत बदल सकती है, उस मूर्ति का महत्व क्या है और इसे अपने परेशानियों के हिसाब से कहाँ कैसे रखना चाहिए। तो आइए पंडित जी से जानते हैं कौन सी है वो चमत्कारी मूर्ति। पंडित जी, अब जरा सस्पेंस से पर्दा हटाइए और बताइए कि वो चमत्कारी मूर्ति कौन सी है। गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरि समान। सनातन धर्म में, हिंदू संस्कृति में जिस धन को द्वितीय धन कहा गया है वो धन है हाथी। पहला धन कहा गया है गाय को, और गाय प्राचीन भारत के अर्थव्यवस्था की मेरुदंड थी और आज भी है। प्राचीन भारत के अर्थव्यवस्था की मेरुदंड थी और है। आज भी जो लोग गोपालन करते हैं उनके जीवन से दरिद्रता चमत्कारिक रूप से गायब हो जाती है। केवल धार्मिक महत्व गाय का नहीं है, अर्थव्यवस्था की दृष्टि से भी देखा जाए तो गाय जितना लक्ष्मी को लाने में सहायता करने वाला और कोई दूसरा जीव नहीं है। मैं जिस चमत्कारी मूर्ति के बारे में आज आपको बताने वाला हूँ वह मूर्ति है हाथी, हाथी की मूर्ति जिसको कहते हैं गजराज, हस्ती, दंती, ये सब पर्यायवाची हैं हाथी के। मकान हो, दुकान हो, फैक्ट्री हो या मेन गेट हो या बेडरूम हो, इसे कहाँ और कैसे रखने से आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा ये सब मैं आज आपको विस्तार से बताने वाला हूँ। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हाथी की मूर्ति को इतना शुभ क्यों माना जाता है। पहली बात तो हाथियों का जन्म एरावत नाम के हाथी से माना जाता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, हाथियों में मैं एरावत हूँ। अब इससे बड़ी क्या बात होगी जब जगत के एकमात्र नायक, जिन्हें जगत गुरु भी कह लीजिए, जो परमपिता परमेश्वर भी हैं, जो सर्वस्व हैं, अगर वो कहते हैं कि हाथियों में मैं एरावत हूँ, तो इस तरह से 84 चीज़ों के बारे में वो वर्णन करते हैं जिसमें एक बात ये भी है कि हाथियों में मैं एरावत हूँ। हाथियों की उत्पत्ति समुद्र मंथन के समय हुआ। समुद्र मंथन में हाथी, लक्ष्मी, चंद्रमा, विष, अमृत, ये सारी चीज़ें पैदा हुई थी। हाथी शक्ति और एकता का प्रतिनिधित्व करते हैं और
हाथी को तो भगवान गणेश का भी स्वरूप माना जाता है। हाथी धन की देवी माँ लक्ष्मी की सवारी है। हाथी भगवान इंद्र देव का वाहन है। हाथी को सौभाग्यशाली और धर्म का प्रतीक माना जाता है। हाथी द्वारा विष्णु स्तुति का वर्णन भी पुराणों में मिलता है, जो गजेंद्र मोक्ष है। गजय ग्राह लड़े जल भीतर गजने जाए पुकारा। तो कहने का मतलब गजेंद्र मोक्ष जो है, गजेंद्र पुकारता है भगवान को, भगवान आ करके ग्राह को मार करके और गजराज की रक्षा करते हैं। तो गजेंद्र मोक्ष कर्ज उतारने के लिए बहुत प्रसिद्ध स्त्रोत है। जिन लोगों का कर्ज किसी कीमत पर नहीं उतर रहा है, बहुत मेहनत करने के बाद भी कर्ज के मकर जाल में उलझते जा रहे हैं, ब्याज चुकता करने में पूरी कमाई चली जा रही है, उन सभी लोगों से हमारा आग्रह है कि आप नित्य गजेंद्र मोक्ष का पाठ दुखी मन से करिए। अपने अपमान और अपनी परिस्थितियों को मन में सोचते हुए जब आपके मन में ग्लानि होगी और आपके आँखों से आंसुओं की धारा निकलेगी, तो शायद भगवान सब कुछ बर्दाश्त कर लेते हैं लेकिन अपने भक्तों के आंसू नहीं बर्दाश्त कर पाते हैं, उसका प्रतिफल जरूर देते हैं। हाथियों का दिमाग, उनकी स्मृति बहुत तेज मानी जाती है। अगर आपके घर का मुख्य द्वार चौड़ा है तो हाथियों का जोड़ा रखा जा सकता है। मुख्य द्वार पर रखे हाथियों के जोड़े का मुख घर के बाहर की ओर होना चाहिए। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकल जाती है और बाहर की बुरी शक्तियां घर में प्रवेश नहीं कर पाती। अपने कमरे में हाथी का जोड़ा रखने से वैवाहिक जीवन में प्यार और विश्वास बढ़ता है। अगर ये जोड़ा चांदी के बने हुए हाथियों का हो और ईशान कोण में रखा जाए, दोनों जोड़े का मुंह आपस में परस्पर मिला हुआ हो, तो शायद वैवाहिक जीवन में आ रही अनबन ठीक हो जाती है। जो लोग अपने बच्चों को आज्ञाकारी बनाना चाहते हैं, जो लोग चाहते हैं उनके बच्चे बड़ों की इज्जत करें, अच्छी पढ़ाई करें, उनको अपने बच्चों के कमरे में या अपने घर में हाथी और उससे बच्चे की मूर्ति जरूर रखनी चाहिए। ऐसे लोगों को एक ऐसी हाथी की मूर्ति रखनी चाहिए जो बड़ी हो और एक ऐसी हाथी की मूर्ति रखनी चाहिए जो बच्चा जैसा छोटा हो। अगर दोनों मूर्तियाँ बच्चे के स्टडी रूम में रखा जाए और बच्चे के बाएं हाथ की तरफ रखा जाए, तो निःसंदेह बच्चे की एकाग्रता बढ़ती है और बच्चे के पढ़ाई में चमत्कारिक परिवर्तन दिखाई देता है। जय माँ विंध्यवासिनी। कारोबार बढ़ाना हो या फिर करियर चमकाना हो या फिर बात हो आपकी लीडरशिप की, हाथी की मूर्ति की कैसे कारगर साबित आपके लिए हो सकती है, आइए जानते हैं पंडित जी से। बताइए पंडित जी, कैसे कारोबार को चमका सकती है और करियर को और भी बेहतर कर सकती है हाथी की मूर्ति? जानती हो, सुमुखश्चैक दंतश्च कपिलो गजकर्णकः लंबोदरस्य विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतो गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजाननः द्वादशी तान इनामानि यह पठे श्रुयादपि। भगवान गणेश के जो 12 नाम हैं उनका स्मरण करने मात्र से सारे दुर्भाग्य दूर हो जाते हैं। और सनातन धर्म में कोई ऐसी पूजा नहीं बनी है जो बिना गणेश पूजा के शुरू होती है। पहले गणेश पूजा होती है, इसके बारे में साफ साफ लिखा हुआ है, कलौ चंडी विनायकौ। कलयुग में पहले विनायक अर्थात गणेश की पूजा होगी, तब चंडी अर्थात दुर्गा या लक्ष्मी की पूजा होगी, उसके बाद तब विष्णु शिव और सूर्य आदि देवताओं की पूजा होती है। तो कहने का मतलब जो विघ्न के नाश करने वाले हैं, जो विघ्नों का समन करने वाले हैं, ऐसे गणेश का ध्यान हम हाथी के ही रूप में तो करते हैं। तो अगर कोई नौकरी पेशा है और वो अपने डायरी में हाथी के जोड़े का चित्र रख ले और अपने वर्क टेबल पर हाथियों के जोड़े का स्टैचू रख ले, तो उसके कार्य करने की क्षमता आप देखिए। इससे नेतृत्व क्षमता में निखार आता है, अंधविश्वास की तरफ नहीं ले जा रहा हूँ। जैसे साफ सुथरे अच्छे कपड़े पहन करके आपका आत्मविश्वास बढ़ता है,
अच्छे जूते, ब्रांडेड जूते पहनने से जैसे आपका आत्मविश्वास बढ़ता है, ब्रांडेड घड़ी लगाने से जैसे आपका आत्मविश्वास बढ़ता है, उसी तरह से अपने सन्निकट अच्छा सा हाथियों का जोड़ा रखने से, अच्छी सी हाथी की मूर्ति रखने से भी आत्मविश्वास बढ़ता है। और जब आत्मविश्वास बढ़ता है तो चेहरे की रौनक बढ़ती है, चेहरे की रौनक बढ़ती है तो आभा मंडल बढ़ता है, और आभा मंडल बढ़ता है तो आपका प्रभाव क्षेत्र बढ़ जाता है, लोग आपके अनुकूल सोचते हैं, तब आपके द्वारा सोचे हुए कार्यों को करने में आसानी होती है। और इससे होता क्या है, अच्छा काम करने की प्रेरणा मिलती है। कारोबारी अपने कार्य क्षेत्र के मुख्य द्वार पर हाथियों के जोड़े की तस्वीर या स्टैचू रखना चाहिए, इससे करियर और कारोबार को सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी। जो दंपत्ति संतान सुख चाहते हैं उनको अपने बेडरूम में 7 हाथी की मूर्तियां जरूर रखनी चाहिए, छोटी छोटी ही रखें लेकिन 7 हाथियों की मूर्तियां पूर्व उत्तर के कोने में किसी टेबल पर लगाना चाहिए। जो लोग अपने करियर में उछाल चाहते हैं, बेहतरीन नौकरी की तलाश में हैं, उनको अपने घर की उत्तर दिशा में हाथी की एक मूर्ति जरूर रखनी चाहिए। देखिए ऐसा है, आप सोचेंगे मूर्ति से क्या होता है, बहुत कुछ होता है। आपके आँखों को जो सुकून दे वही सबसे सुंदर वस्तु है इस दुनिया में, लेकिन आँख विषय भोगी होकर के उस सुकून को न खोजे, क्योंकि आँख भी एक इंद्री है और इंद्रियाँ विषय से ज़्यादा जुड़ी हुई हैं, या बुद्धि से कम जुड़ना चाहती हैं बल्कि मन से जुड़ना चाहती हैं, ताकि मन को अपने बस में करके और ये जहाँ चाहे वहाँ मन को लेकर चली जाए। प्रजहाति यदा सर्वान कामान पार्थ मनोगतान आत्मनैव आत्मनः तुष्ट स्थित प्रज्ञ तदोच्यते। ये जो हमारी इंद्रियां हैं, आँख नाक कान मलमूत्र के उत्सर्जन के स्थान, ये सब मन को बहका देते हैं, मन को फुसला देते हैं, और मन जब उनके कहने में आ जाता है तो पतन हो जाता है। इसीलिए बार बार कहता हूँ कि आप अपने मन को इंद्रियों से मत जोड़िए, अपने मन को बुद्धि से जोड़िए, मन आपका वो करे जो आपकी बुद्धि कहे, और जो बुद्धि कहे वो मन करे, और जो मन कहे वो इंद्री करे। अगर इंद्रियों के वशीभूत होकर के मन कार्य करेगा तो निश्चित रूप से जीवात्मा का पतन संभव है, ऐसा गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। तो कहना ये चाहूँगा, हाथी अपने आप में जितना कहा जाए वो चमत्कार है, जितना कहा जाए उसके लिए शब्द छोटे हैं। आपने देखा होगा महालक्ष्मी जब बैठी रहती हैं तो उनके बगल में 2 हाथियाँ घड़े में जल लेकर के महालक्ष्मी का अभिषेक करती हैं, इन्हें गजलक्ष्मी भी कहा जाता है। तो इस तरह से गणेश जी के साथ तो संबंध है ही है हाथी का, माँ लक्ष्मी के साथ भी संबंध है, इंद्रदेव के साथ भी संबंध है। तो हाथी हमारे सनातन धर्म में बहुत शुभता का प्रतीक माना जाता है, इसलिए अगर अभी तक आपने हाथी की कोई प्रतिमा या कोई मूर्ति अपने घर में नहीं लगाई है तो अब आपको हाथी के प्रतिमा या मूर्ति को लगाने के बारे में थोड़ा सा सोचना चाहिए। जय माँ विंध्यवासिनी। तो इतनी चमत्कारी है ये हाथी की मूर्ति, और जैसा पंडित जी बता रहे हैं अगर ऐसे अपने घर पर आप रखेंगे तो यकीन मानिए जो परेशानियां हैं वो ज़रूर दूर होंगी। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गई है, स्वाति छत्तीसगढ़ से, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वाति जी, बात करिए पंडित जी से। पंडित जी प्रणाम। हाँ सुखी रहिए। पंडित जी हम अपने भविष्य के बारे में जानना चाहते हैं और PGD की तैयारी कर रहे हैं, और मेरी जॉब कब लगेगी या लगेगी भी कि नहीं, और रत्न कौन कौन से मैं धारण करूँ। कितने साल की हो? जी हम 30 साल के हैं। प्रीति नाम है? स्वाति। स्वाति शुक्ला। स्वाति शुक्ला। स्वाति देखो, आपने नौकरी के बारे में प्रश्न पूछा है तो मंगल और शनि दोनों पंचम नवम की स्थिति में है, नौकरी तो लगनी ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, नौकरी लगनी ही है। 17 जनवरी 2023 से लेकर के
अप्रैल मई तक कहीं न कहीं आपको मन के मुताबिक नौकरी मिलने के संयोग बने हुए हैं। बस करना आपको ये है कि 7 अनाज, 1-1 किलो और 1 कंबल, ये शनिवार को किसी गरीब भिखारी को आपको एक बार दान करना चाहिए और मंगलवार को गेहूं के आटे का गुड़ के साथ देसी घी के साथ हलवा बना करके, जब वो हलवा ठंडा हो जाए तो मंगलवार को उसे किसी गाय के बछड़े को खिलाना चाहिए। इससे भी आपके नौकरी को मिलने में आसानी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। अगर आप भी नई नौकरी पाना चाहते हैं, प्रमोशन चाहते हैं, कारोबार में तरक्की चाहते हैं, परिवार में सुख शांति चाहते हैं और माला माल बनना चाहते हैं, तो आज आपके पास ये सब कुछ पाने का सुनहरा मौका है, क्योंकि हाथी की एक छोटी सी मूर्ति आपकी सारी उलझनों को दूर करके आपकी तकदीर को खोल देगी। अपनी इसी खास चर्चा को आगे बढ़ाते हुए अब पंडित जी से हाथी की मूर्ति के कुछ और खास उपाय जानते हैं। साथ ही ये भी जानते हैं कि हाथी की मूर्ति या तस्वीर में सूंड की अलग अलग स्थिति किस ओर संकेत करती है। बताइए पंडित जी। देखिए, वैसे तो हाथी का चित्र आपने देखा होगा, हाथी की तस्वीर आपने देखी होगी, हाथी की मूर्ति भी देखी होगी, लेकिन शायद ही कभी आपने गौर किया हो कि हाथी की सूंड बाई ओर मुड़ी हुई है कि दाहिनी ओर मुड़ी हुई है, और सब हाथी की सूंड दाहिनी तरफ ही होती है या बाईं तरफ ही होती है। इसी तरह से गजानन गणेश की जो मूर्ति होती है, उस मूर्ति की सूंड जो है वो बाईं तरफ है कि दाहिनी तरफ है, क्योंकि हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि बाईं तरफ मुड़ी सूंड वाले जो गणेश होते हैं वो बहुत सज्जन, सरल और उदार होते हैं, लेकिन दाहिनी ओर मुड़ी वाले सूंड वाले जो गणेश होते हैं वो बहुत ही उद्दंड और जिद्दी स्वभाव के और जल्दी न मानने वाले होते हैं। तो कहने का आशय यह है कि उठी हुई हाथी की सूंड सकारात्मकता का प्रतिनिधित्व करती है। ऐसी सूंड को भाग्यशाली माना जाता है और ऐसा हाथी परिवार में सुख समृद्धि लाता है। जिन तस्वीरों या मूर्ति में हाथियों की सूंड ऊपर की ओर होती है और आगे के दो पैर उठे हुए रहते हैं, वो सुरक्षा और शक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं। झुकी हुई हाथी की सूंड एकाग्रता को दर्शाती है। नीचे की ओर हाथी की सूंड चुनौतियों का सामना करने की क्षमता और दीर्घायु जीवन को दर्शाती है। हाथी की नीचे झुकी हुई सूंड ऑफिस या कारोबार के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। किसी तस्वीर या मूर्ति में दो हाथी आपस में सूंड मिला रहे हों तो ये अच्छी दोस्ती और अच्छे रिश्तों को दर्शाता है। जय मां विंध्यवासिनी। हाथी की मूर्ति से जुड़े और भी खास उपाय जो पंडित जी से हम जानेंगे और भी खास बातें जानेंगे जिससे आपकी किस्मत बदल सकती है, लेकिन उससे पहले कॉलर हैं हमारे साथ किरण दिल्ली से। किरण जी, बहुत बहुत स्वागत है, बात करिए पंडित जी से। तो संपर्क नहीं हो पा रहा है किरण जी से। चलिए, हाथी की मूर्ति के खास उपाय तो आप लगातार पंडित जी से जान ही रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ ये भी जानना जरूरी हो जाता है कि हाथी की मूर्ति के उपाय और उसे स्थापित करते हुए हमें किन दिशाओं और वास्तु नियमों का विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए। पंडित जी, अब हाथी की मूर्ति तो ले आएंगे, लेकिन कैसे रखें, कहाँ रखें, किन किन बातों का ख्याल रखें? वास्तु का बहुत बड़ा महत्व है जीवन में। जिसके घर का वास्तु ठीक है, वो एक बार खराब दशा से भी गुजर रहा है तो जिंदगी पार हो जाती है, और जिसके घर का वास्तु खराब है वो अच्छी दशा से भी गुजर रहा हो तो भी उसके सामने विपत्तियों के पहाड़ लग जाते हैं। ये अंधविश्वास नहीं है, वास्तुशास्त्र अंधविश्वास नहीं है। वास्तुशास्त्र प्रकृति के अनुरूप एक व्यवस्था का नाम है। गंगा जी पूरब की तरफ बह रही हैं, अगर आप पूरब की तरफ तैरना चाहें तो 2-4-10 किलोमीटर तैर सकते हैं, लेकिन पानी का बहाव पूरब की तरफ है और आप पश्चिम दिशा की तरफ तैर कर जाना चाहते हैं, 100 मीटर में डूब के मर जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप प्रकृति के विपरीत जाने का कार्यक्रम बना रहे हैं। उसी तरह से जिस तरह से पृथ्वी पश्चिम और दक्षिण में ऊँची है, पूरब और उत्तर में नीची है, उसी तरह से वास्तु भी पश्चिम और दक्षिण में ऊंचा होना चाहिए, उत्तर और पूर्व में नीचा होना चाहिए। पानी का ढाल हर समय उत्तर पूर्व की तरफ ही होना चाहिए।
पूजा स्थान ईशान कोण में होना चाहिए। भूल करके भी वहाँ टॉयलेट न बनाएं। जिन लोगों के घरों में ईशान कोण में टॉयलेट है, बाथरूम है, चाहे भले ही आप उसे बंद कर दें, लेकिन मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ, धनवंतरी आकर आपके घर का इलाज नहीं कर सकते और कुबेर आकर के आपके घर में धन नहीं दे सकते। ये इतना बड़ा दोष है ईशान कोण का शौचालय। बिल्डरों को क्या है, उनको तो पैसा कमाना है, जहां मर्जी आए वहां बना दिया, आपके ऊपर टोपी लगाकर चल दिए, अब आप रो भोगो। इसलिए सीढ़ियों के नीचे बाथरूम नहीं होना चाहिए, ईशान कोण में बाथरूम नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान सदैव रखना चाहिए। आपने अपने कमरे में हाथी की मूर्ति रखी है तो उनका मुंह कमरे में ही होना चाहिए, ना कि कमरे के दरवाजे की तरफ। जो व्यक्ति राहु से पीड़ित है, जिसकी कुंडली में पास या संयोग है, जिसकी कुंडली में राहु सिंह या कर्क राशि में है, उनको अपने ड्राइंग रूम में लकड़ी का, धातु का हाथी स्थापित करना चाहिए। ऐसा करने से राहु के बुरे फल कम होने लगते हैं। हाथी की मूर्ति को कभी भी घर या कार्य क्षेत्र में दक्षिण या पश्चिम दिशा में नहीं रखना चाहिए, इसको गांठ बात के ध्यान से सुन लीजिए। उत्तर दिशा में स्फटिक या सफ़ेद पत्थर से बनी हाथी की प्रतिमा रखने से सुख समृद्धि मिलती है और माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। ऐसा कहा जाता है कि सिंह लग्न में जन्मे व्यक्ति की कुंडली में अगर गजकेसरी योग हो तो जीवन में एक बार हाथी की सवारी जरूर करनी चाहिए। जय माँ विंध्यवासिनी। विमला जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं पंचकुला से, बहुत बहुत स्वागत है, बात करिए आप पंडित जी से। हेलो, नमस्ते पंडित जी। नमस्ते पंडित जी, मेरा सवाल ये है कि मेरे एक तो आर्थिक तंगी चलती रहती है हमेशा, और अभी ऋण चला हुआ है, और बीमार रहती हूँ मैं और मेरी फैमिली में भी, और मेरे पति को भी क्या कहते हैं उनको, मतलब उसको, उनको पित्त में पथरी हो चुकी है, उनके स्वास्थ्य के बारे में भी पूछना चाहती हूँ, ये जानना है मुझे। और आर्थिक तंगी से निपटने के लिए क्या उपाय करूँ मैं, जिससे मेरी आर्थिक तंगी दूर हो जाए। आप कितने साल की हैं विमला जी? 36 साल की हूँ पंडित जी। कितना? 36। चलिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपने प्रश्न किया है अपने आर्थिक स्थिति के संदर्भ में, तो आपके आय भाव का स्वामी बृहस्पति है और आपके प्रश्न लग्न का स्वामी शुक्र है। शुक्र और बृहस्पति दोनों की सप्तम दृष्टि है, भी आपके घर में आय खर्च के बराबर भी नहीं है, इसलिए घर में आर्थिक विपन्नता का माहौल बना हुआ है। स्वास्थ्य में भी आए दिन आपकी गिरावट रहती है। आप अगर चाहती हैं कि आपका जीवन बदल जाए और आपके ऊपर ईश्वर की कृपा हो, आपका पति अच्छा रहे, उसका स्वास्थ्य अच्छा रहे, उसका करियर अच्छा हो जाए, तो आप इस कार्तिक महीने में सूर्योदय से पहले स्नान कर लिया करिए। सूर्योदय से पहले सूर्य को अर्घ देने की कोशिश करिए, तुलसी के पेड़ के नीचे एक दिया जलाने की कोशिश करिए और वहीं तुलसी के पास बैठ करके श्री सूक्त और कनक धारा स्त्रोत का पाठ करिए। ये उपाय अगर आपने 30 दिन कर दिया, पूरे महीने कर दिया, तो आप मान के चलिए कि आपके ज़िंदगी की सारी व्यथाएं समाप्त हो जाएंगी और फिर आपकी ज़िंदगी की एक अच्छी शुरुआत होगी जिसमें आपका जीवन धन्य हो पाएगा। जय माँ विंध्यवासिनी। किस धातु से बनी हाथी की मूर्ति सबसे शुभ होती है, किस चीज से बनी हाथी की मूर्ति को घर में भूलकर भी नहीं रखना चाहिए, साथ ही धन लाभ वैवाहिक सुख शांति और समृद्धि पाने के लिए घर या कार्यक्षेत्र में कैसे इस मूर्ति को स्थापित करना चाहिए, आइए जानते हैं पंडित जी से, बताइए पंडित जी। देखो श्रद्धा, घर में ठोस चांदी का हाथी रखने से भाग्य को बल मिलता है, और मैं तो अपने सभी दर्शकों को कहता हूँ कि अगर हाथी रखना ही है तो चांदी का ठोस हाथी रखो, चाहे छोटा सा ही हो। पोल वाला हाथी मत रखो कि जिसमें बाहर से आवरण हो अंदर से खाली हो, ऐसा हाथी दुर्भाग्य को बढ़ाता है। घर में ठोस चांदी का हाथी रखने से भाग्य को बल मिलता है और दुर्भाग्य समाप्त होता है। चांदी के दो हाथियों का मुख एक दूसरे की तरफ होना चाहिए, विपरीत दिशा में नहीं होना चाहिए। ठोस चांदी की मूर्ति को घर की उत्तर दिशा में रखना चाहिए,
चांदी का हाथी लाल रंग के कपड़े में लपेटकर अपनी तिजोरी में रखा जा सकता है। ये माँ महालक्ष्मी की कृपा दिलाएगा, परिवार में एकता बढ़ेगी। आपका कार्य क्षेत्र छोटा है तो आपको अपने मुख्य द्वार पर हाथी की मूर्ति रखनी चाहिए। लाल रंग की हाथी की मूर्ति शोहरत, धन और मान सम्मान को आकर्षित करती है। लाल रंग की हाथी की मूर्ति को अपने घर में दक्षिण दिशा में स्थापित करना चाहिए, क्योंकि लाल रंग की जो हाथियाँ होती हैं ये लगभग लकड़ी की ही होती हैं, अच्छे से अच्छी लकड़ी की होती हैं। वैवाहिक जीवन सुखी रहता है। हाथियों के जोड़े को ऐसे रखें कि उनकी पूँछ उत्तर दिशा की तरफ हो। घर या कार्य क्षेत्र में पीतल की हाथी की मूर्ति रखने से भी हर तरफ से लाभ मिलता है। वैवाहिक जीवन में कलेश है तो पीतल की हाथी की मूर्ति अपने कमरे में आपको जरूर रखना चाहिए। बेडरूम में पीतल के हाथियों की मूर्तियां रखना शुभकारी माना गया है। ऐसी मूर्ति वैवाहिक जीवन के बाद विवाद को कम करती है। ड्राइंग रूम या मीटिंग रूम में पीतल के हाथी की मूर्ति रखने से शांति और समृद्धि आती है। जीवन के हर क्षेत्र में सफलता मिलती है। कॉन्फ्रेंस रूम में भी पीतल के हाथी की मूर्ति रखने से करियर और कारोबार में ग्रोथ होता है। आप अपने घर में चांदी और पीतल की मूर्ति नहीं रख सकते हैं तो पत्थर की मूर्ति भी रख सकते हैं, लेकिन प्लास्टिक या प्लास्ट ऑफ पेरिस की मूर्ति घर में भूल करके ना रखें। जय मां विंध्यवासिनी। और बात तुला राशि की करेंगे, लेकिन उससे पहले कॉलर जुड़ चुकी हैं साधना जी मैनपुरी से। बहुत बहुत स्वागत है आपका साधना जी, बात करिए पंडित जी से। पंडित जी चरण स्पर्श। हाँ सुखी रहे साधना जी। जी मैं अपने पति के बारे में और बच्चों के बारे में जानना चाहती हूँ पंडित जी। जी मेरे पति की नौकरी लगती है छूट जाती है पंडित जी, और उनकी मुझे उम्र का पता नहीं है, लगभग 45 साल के आसपास की है। और मेरे बच्चे श्रुति श्रीवास्तव वो 22 दिसंबर 2007 को होंगी, शाम को 6:02 पे। उसके भविष्य के बारे में जानना चाहते हैं पंडित जी। और बेटे का जन्म 4 फरवरी 2010 को हुआ था, शाम को 4:24 पे। देखिए अभी तो समय आपका ठीक नहीं चल रहा है, अभी तो पारिवारिक रूप से आर्थिक रूप से अगर देखा जाए तो समय अनुकूल नहीं चल रहा है। समय की अनुकूलता के लिए आपको चाहिए कि आप नित्य राम रक्षा स्त्रोत का पाठ किया करें, राम दरबार की पूजा किया करें और कपूर से सुबह शाम राम दरबार की आरती किया करें। ये उपाय अगर आप परमानेंट करना शुरू कर दें और प्रदोष और बृहस्पतिवार के व्रत करना शुरू कर दें तो निस्संदेह आपके संतान का भी भविष्य अच्छा होगा, आपका भविष्य भी अच्छा होगा और आपके पति देव का भी भविष्य ठीक हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। पश्चिम बंगाल से हमारी कॉलर जुड़ चुकी है माया देवी जी, बहुत बहुत स्वागत है, बात करिए आप पंडित जी से। जी प्रणाम। हाँ सुखी रहिए माया जी। पंडित जी मेरा दो प्रश्न है, जैसे कि मेरे पति का पैसा विजेंद्र नाम का आदमी काम करवा के रख लिया है, मांगने पर दे नहीं रहा है। उनका उम्र है 44 साल, जब पैसा मांगते हैं तो धन पाता है। दूसरा सवाल है पंडित जी कि मेरे पति का भाई 2020 को 9 अक्टूबर को कहीं अचानक गायब हो गए हैं, तो है कि नहीं आए लेकिन पूरा परिवार का लोड इन पर हो गया, क्या करें कि हम लोग पूरा परिवार के लिए चले। पूरे परिवार को अगर सही रखना है तो आपके प्रश्न के हिसाब से तो मुझे स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि आपके घर में ऋण रोग दरिद्रता अभाव कुभाव सारी परिस्थितियां खराब पन्नी पड़ी हुई हैं, और इन सारी परिस्थितियों का समाधान अगर आप उपायों से करना चाहेंगी तो बहुत लंबा उपाय हो जाएगा और आपको राहत भी नहीं मिलेगी। इन सब का उपाय एक कुंजी आपको बता रहा हूँ जो कलयुग में बहुत ही चमत्कारी है। आपको चाहिए कि आप पूर्णिमा के दिन व्रत करें और सूर्यास्त के बाद किसी योग्य विद्वान ब्राह्मण को अपने घर बुला करके सत्यनारायण भगवान की कथा करें, कथा सुनें, और कथा होने के बाद घर में आए ब्राह्मण को खीर पूरी का भोजन कराएं और कुछ दक्षिणा दें। ये उपाय अगर 5 पूर्णिमा आप कर लेंगी तो निश्चित रूप से जितनी शिकायतें आपकी हैं सारी शिकायतें आपकी कम हो जाएंगी और आपका जीवन सुखमय हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी।
गुजरात से एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नाम बताते हुए बात करिए पंडित जी से। मोनिका गुजरात। हाँ नमस्कार। नमस्ते गुरु जी, मेरा नाम, मेरा बर्थ डेट 1 नवंबर 1991 2:25 को। क्या? मेरा बर्थ डेट 1 नवंबर 1991 4:25 को। आने वाली स्टेनोग्राफी में एग्जाम में सफल हो जाऊँ, ऐसा उपाय और आशीर्वाद दीजिए। देखिए, आपने अपने नौकरी के लिए प्रश्न पूछा है और शुक्र और चंद्रमा ना, अभी नौकरी में सफलता मिलने की उम्मीद नहीं है, और प्रयास करिए। अभी नौकरी में सफलता की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं बनी हुई है, और प्रयास करिए और 40 दिन लगातार किसी शिव मंदिर जा कर के शिवलिंग पर जल, दूध, गन्ने का रस, शहद, बेलपत्र, सारी चीज़ें स्वच्छतापूर्वक अर्पित करिए और शिवालय में एक घी का दिया जलाइए। 40 दिन ये उपाय करने के बाद आप रोजगार परक हो जाएंगी। जय माँ विंध्यवासिनी। तो पंडित जी, बहुत अच्छी जानकारी आज आपने उस चमत्कारी मूर्ति के बारे में बताया, जिससे सभी कष्टों से छुटकारा मिल सकता है और सब कुछ शुभ होगा। साथ ही शुभ मुहूर्त भी आपने बताया, अपना समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद करते हैं आज का विषय आपको पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।